राहतगढ़ में शासन की मंशानुसार वन परिक्षेत्र अंतर्गत वन समिति ग्राम चंद्रापुर क्षेत्र में चलाए जा रहे ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत आजीविका मिशन में चयनित हितग्राहियों को वन विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की उपयोगी सामग्री वितरित क्षेत्र के लोग एवं राहतगढ़ के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता एवं सभी पद अधिकारी उपस्थित रहे। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। सरकार की योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वनों के साथ साथ जो वनों में रहने वाले लोग हैं उसके साथ जो उनका हित जुड़ा हुआ है उन ग्रामीणों की भी क्षमता में विकास किया जाए, उनके रोजगार की क्षमता को बढ़ाया जाए और उनको सक्षम बनाया जाए कि वो अपनी जीविका को ठीक से संचालित कर सके और उसके साथ ही साथ वनों के विकास में भी अपना योगदान प्रदान करें। उसी अनुक्रम में जो है, अच्छा ये जो वाटरशिप बेस पर इसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो उसी अनुक्रम में हमारे जो हितग्राही हैं उनको सक्षम बनाने के लिए जो जैसे उन्होंने जी बताया कई डिवाइसेस कई सामग्री हम यहाँ वितरण करेंगे। बस आपसे हमारा आग्रह यही है कि इस योजना में जो भी आपको वितरण किया जा रहा है थोड़ा बहुत उसको ठीक से उपयोग करें और अपने साथ साथ वनों के विकास में भी अपना योगदान दें। धन्यवाद। और तीन गांव के लोगों के लिए आज ये आपके छोटे छोटे घर के धंधे के लिए हम आपको मशीन भी देंगे और दोना बर्तन बनाने की मशीन भी देंगे। घर में आपके बायोगैस बन गए तो आपका खाना पीना पकाना भी आराम से होगा। जितनी सारी सुविधाएं हो सकती हैं वो हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले। हमारी महिलाएं यहां बैठी हैं, घर में जब आपके पास खाना बनाने के अलावा धंधे के अलावा और समय बचता है उस समय में आप लोग मशीन चलाकर सिलाई मशीन से अपने घर का काम भी कर सकती हैं, दो पैसे का उसमें आप रोजगार भी हासिल कर सकती हैं, अपने पड़ोस के भी अच्छे कपड़े बनाए। हमारे आजकल की बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, होशियार हैं, उनको कपड़े बनाने की जानकारी है। दोना बंदल आजकल बसी मिलना बंद हो गए हैं। आजकल गांव में जो है ना हम बहुत कम देखते हैं, जब पंकज में जाते हैं ना तो फिर छोला के दोना बंदल तो मिलते ही नहीं है, ना तो बनाने वाला है और ना ही उतनी संख्या में बना पाता है। गांव का हमारा सेन समाज का व्यक्ति पहले बनाते थे, अब ये मशीन मिलेगी तो आप लोग भी अपने घर का नहीं आसपास में इसका बहुत धंधा चलता है, रोज कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते हैं तो वो धंधा भी आपको मिलेगा। तो जिन जिन सुविधाओं का लाभ आपको मिल रहा है ये सारी चीजें पैसा नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें आपको फ्री दे रहे हैं। आई बाजार में मशीन खरीद करने जाओ 6,000 की 10,000 की मशीन आदि सिलाई ये सब चीजें आपको सरकार दे रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार गरीब लोगों की सरकार है, मध्यम वर्गीय लोगों की सरकार है, जो भी बन सकता है ये सरकार आपके हित में जो भी संभव हो सके प्रयास कर रही है। हम स्वयं आपके कई गांव में दौरा करते हैं, हम फिर आएंगे दौरा करने के लिए। छोटी मोटे जो भी आपके काम हो वो आप गांव में बताना, उन्हों करने का प्रयास हम करते हैं, हम करेंगे। जहां तक चंदापुर की बात है, चंदापुर के लिए जो बन सका हमने किया है, चकरपुर के लिए
एक जमाने में रोड ही नहीं थी, तो परिजन के लिए रोड नहीं थी, हमने रोड बनवाई, वहीं स्कूल बनवाई, सब कुछ जो बन सका हमने किया है। अब आपका भी कर्तव्य है कि जो आदमी आपके लिए करता है उस आदमी के लिए भी आपका आशीर्वाद दोनों हाथ से मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ करते जाए, एक तरफ आप उसको जब मौका आए तो उसका आशीर्वाद उसको पूर्णतः ना दो, तो ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर हम आपके लिए करेंगे तो हम ये चाहेंगे कि आपका सहयोग भी हमारे लिए रहे, आपका सहयोग है मिलेगा तो हम और ताकत के साथ में और मेहनत करके आपके हर काम करने का प्रयास करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है। इसके अलावा जब भी जो भी संभव होगा वो तो सारे काम आपके लिए किए जाएंगे। इस सरकार ने तय किया है कि हम हर उस व्यक्ति की मदद करें जो व्यक्ति असहाय है, जो व्यक्ति कमजोर है और जिस व्यक्ति के लिए हमारे सहयोग की आवश्यकता है। तो आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप दूर दूर से आए हैं, बहुत देर हो चुकी है, आपको भी घर जाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी सामान आपको बटना है वो सामग्री आपको दें, उसका आप उपयोग करें अपने अपने जीवन में और जो आपकी उम्मीद है वो लक्ष्य प्राप्त करें। सबको हमारी तरफ से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना